नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स है उसके बारे में। दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर के बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बोनस देते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर बोनस देते हैं, और इतना अधिक बोनस दिया है ये शेयर ने। अगर आप 1000 शेयर बाय किए होते तो आपका आज 40,000 शेयर होता। ये बहुत ही एक छोटी सी कंपनी थी, स्मॉल कैप कंपनी थी, और अब ये मीडियम कैप कंपनी बन चुकी है, मतलब मिड कैप कंपनी बन चुकी है। तो समझ सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी जो मिड कैप बनी, इतना ज्यादा बोनस दिया कि 1000 शेयर को 40,000 बनाया, मतलब एक शेयर बाय किए होते तो आपके पास 40 शेयर होता। तो ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वो भी मात्र 20 साल में। अगर आप 2000 ईस्वी में बाय किए होते तो आज आपके पास 1000 शेयर के बदले 40,000 शेयर होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हैं। जैसे देखते हैं इनमें से कौन सा शेयर है बेहतर, आलोक इंडस्ट्री, अदानी ग्रीन, ITC, भारत फोर्ज, वोडाफोन, बीप्रो। इसका नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो आप इन वीडियोस को जा करके जरूर देखें। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि ये 2007 ईस्वी में 1:1 का बोनस दिया। अगर आप 1000 शेयर बाय किए होते तो 2000 हो जाता। फिर 2010 में बोनस दिया 1:1 का, तो 2000 शेयर आपका कितना हो गया, 4000। साथ ही साथ जो स्टॉक स्प्लिट है ये भी आपके लिए बोनस के जैसा कार्य करता है। फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ आपका 5:5 में, तो शेयर भी 5 times हो जाएगा, तो 4000 शेयर हो गया आपका, 5 से गुना कर दीजिए 20,000 शेयर। 20,000 शेयर हो गया आपके पास 2010 में। फिर से ये 2011 में देख सकते हैं बोनस देता है 1:1 का, तो 20,000 शेयर कितना हो गया, 40,000 शेयर। तो हमने जो कहा था वो आपने चार्ट पे भी देख लिया कि जो शेयर होता है आपका बोनस से वो लगातार मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कंपनी आपको बोनस शेयर बिल्कुल फ्री में देती है। जैसे 1:1 दिया, मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री दे दिया आपको। स्टॉक स्प्लिट किया तो इसमें आपको जिस रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया गया फेस वैल्यू को, उसी रेशियो में आपको शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि आपके बोनस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स को काफ़ी मल्टीप्लाई कर देता है, काफ़ी बढ़ा देता है। उसके बाद डिविडेंड भी देख सकते हैं, लगातार 2020 में भी देख सकते हैं 2 बार डिविडेंड, 2019 में यहाँ पर देख सकते हैं 3 बार डिविडेंड। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू मोड पर तो सारे डिविडेंड के जो रिकॉर्ड है वो आपके पास आ जाएंगे। तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, काफ़ी शानदार, आपको आगे चल करके हम दिखाएंगे। अच्छा, यहीं पर हम देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड कंपनी का कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड है 1% का है, तो 1% काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और जो शेयर बोनस देता हो, मतलब जो कंपनियां बोनस देती हो उसमें, तो 1% का डिविडेंड यील्ड और भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो गया, क्योंकि आपका शेयर जो है वो 40 times हो गया। तो एक तरह से समझिए 40% का आपका डिविडेंड यील्ड हो गया, तो इतनी शानदार कंपनी है। तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा हो, स्टॉक्स लो वैल्यू पर मिल रहा हो, तो आप ऐसे स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करें। मतलब ऐसे ही स्टॉक्स आपको लगातार सर्च करना है, लगातार रिसर्च करना है कि ऐसे स्टॉक्स आपको कहाँ पर मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए पी रेशियो भी काफ़ी कम है, 10 का पी है जबकि इंडस्ट्री का 27 का है, और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, 63 का है, तो डिविडेंड भी 82% का देता है। तो काफ़ी हर चीज़ पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक का जो नाम है देख सकते हैं, मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो यह है मानापुरम फाइनेंस जो आपको काफ़ी बेहतरीन बोनस शेयर दिया है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है। और ये कंपनियां देख सकते हैं 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब ये जस्ट छोटा सा मिड कैप स्टॉक्स है, मतलब स्मॉल कैप से बड़ा मिड कैप में जो हमारा होता है, छोटे टाइप का मिड कैप स्टॉक्स है। इतना बेहतरीन रिटर्न एक मिड कैप स्टॉक्स दिया है। तो आपको हमने मिड कैप स्टॉक्स के वीडियो में बताया था कि जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उसके आगे के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कंपनी के गोल में, जो कंपनी का आगे का प्लानिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा उसके मैनेजमेंट का, उसके प्रमोटर्स का, मतलब क्या सेंटिमेंट है आगे कंपनियों के प्रमोशन के बारे में, आगे कंपनियों के ग्रोथ के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी चाहिए, ना कि सिर्फ शेयर प्राइस देखनी चाहिए, आपको सारे फंडामेंटल रिसर्च करने चाहिए। तो फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, कि आपको कंपनी के कौन कौन से 10 पैरामीटर कम से कम देखना चाहिए। आगे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा चीज बताऊंगा कि एक कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने से पहले सारे फंडामेंटल रिसर्च में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ 10
जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसको बताया था। अगले वीडियो में हम सारे पैरामीटर्स को कवर करेंगे। तो चलिए अब इस हम कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में देख लेते हैं कि शेयर प्राइस चार्ट पर किस तरह का रिटर्न दिया है। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कंपनी के पास जो कैश और रिजर्व है, साथ ही साथ कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में है तो डेप्ट आपको इसके बैलेंस शीट पर दिखेगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट पर 51,000 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के पास जो सिक्योर्ड लोन है 17,000 करोड़ का, क्योंकि कंपनी लोन देने का काम करती है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, तो इस तरह के सारे लोन देती है। तो कंपनी लोन कैसे देती है, तो जो पहले जमा करता है, डिपॉजिट करता है, उससे लेता है इंटरेस्ट पर पैसे को और फिर लोन पर देता है, तो बीच का जो मार्जिन होता है इंटरेस्ट मार्जिन वो अर्न करता है। ऐसे जो NBFC कंपनियां हैं, जो बैंकिंग कंपनियां हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कैश और बैंक बैलेंस भी देखते हैं कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, 2,244 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। उसके बाद बुक वैल्यू देखते हैं कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 63 करोड़ का बुक वैल्यू है कंपनी के पास, तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम ईयर में बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी जो है पहले शेयर प्राइस जो था काफ़ी लो था। यहाँ से ये स्टॉक स्प्लिट के बाद आपको मतलब पैसा में दिखा रहा है कि 25 पैसा 30 पैसा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के कारण जो है काफ़ी मतलब स्टॉक स्प्लिट होता गया था, प्राइस भी उसी रेशियो में कम होता गया। वास्तव में ये स्टॉक जो है आपको यहाँ पर अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पर रिटर्न देख लीजिए 56,000% का। अगर आप इसको गिरावट में कभी बाय करते तो आपको हम रिटर्न दिखाते हैं कितना ज़्यादा है। आपको यहाँ से देखिए 2003 में इसमें थोड़ी सी गिरावट आया था, वहाँ से अगर बाय करते तो देख लीजिए 88,000% का रिटर्न। वहीं आप जब ये मैक्सिमम प्राइस पर था आपने तो उस समय देख लीजिए 1,04,000% का रिटर्न, 1,04,000% का रिटर्न 2003 से 2020 में। मतलब आप 2003 में 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास करोड़ों रुपया होता। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन कंपनी है कि जिसमें जिसने 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बना दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी आपको गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो आप ज़रूर बाय करें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 187 रुपीज़ था, वहाँ से गिरावट जब आया था तो ये 100 रुपीज़ में आपको मिल रहा था, यहाँ तक कि यह 75 रुपीज़ तक आ चुका था। तो अभी से यहाँ से देखते हैं 75 रुपीज़ से ये 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है मात्र पिछले 3 महीने में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 23 मार्च को इसका लो बना था वहाँ से देखते हैं 101% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जब भी आपको किसी भी गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो इसके सारे फंडामेंटल आपको रिसर्च कर लेने हैं। जैसे आप कंपनी का वैल्यूएशन देखना चाहते हैं तो यहाँ वैल्यूएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखते हैं पी रेशियो आपने देख ही लिया 10 का है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सन आपने देख ही लिया। फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल देख लेंगे, कंपनी का जो सेल्स है, टर्नओवर है। तो यहाँ पर नीचे जाते हैं तो कंपनी के देखते हैं हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर देखते हैं मार्च क्वार्टर जो 20 का, उसमें भी कुछ खास गिरावट नहीं हुआ, रिजल्ट फ्लैट रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज किया है, सिर्फ प्रॉफिट में प्रॉफिट फ्लैट रहा है, सेल्स यहाँ पर लगातार इंक्रीज हुआ है। देखते हैं 1600 करोड़ का सेल्स है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं ये सब। ऐसे कंपनियां जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलती है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपको कंपनी का वेबसाइट विजिट करनी चाहिए और कंपनी के बारे में यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां जानने चाहिए। तो यहां मानापुरम फाइनेंस, यहां पर आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे देखते हैं इसका ऑनलाइन गोल्ड लोन, SME फाइनेंस, फॉरेक्स एंड मनी ट्रांसफ़र, व्हीकल लोन, टूर एंड ट्रेवल लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, हॉस्पिटलिटी, इंडस्ट्रियल लोन, अदर लोन्स, अदर सर्विसेज, बहुत सारी है। सब्सिडी भी देखिएगा, इसका कई सब्सिडी है, मानापुरम होम फाइनेंस, मानापुरम इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, देख सकते हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, मानापुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट लिमिटेड, तो ये सारे इसके सब्सिडी कंपनियां हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको यहां पर जाकर के पढ़ना है। यहां पर फिर देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कंपनी में आप कंपनी के अचीवमेंट, कंपनी के जो आगे के गोल है, आगे के जो प्लानिंग है, वो सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, देखिए ओनरशिप, यहाँ पर फिर देखते हैं रिसेंट डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं 5.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना शानदार है, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी। जब 28% का रिटर्न आपको हर साल मिल रहा है तो फिर ऐसे स्टॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ सारा ग्रोथ का परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज 55% प्रॉफिट में जंप है।
तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी मिले ज़रूर बाय करें। अब हम इसके चार्ट पर आपको प्राइस तो हमने दिखा ही दिया, तो उम्मीद कर आपके लिए कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सक्सेस प्लेस SUCCESS सक्सेस प्लेस लिखना है। जैसे सक्सेस प्लेस लिखेंगे देख सकते हैं ऊपर टॉप में ही हमारा चैनल आ जाएगा जो टेलीग्राम चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर आपको लगातार जो स्टॉक मार्केट के अपडेट है मिलते रहेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे अपडेट मार्केट्स के जो जितने भी अपडेट है वो सारे मिलते रहेंगे। तो देर किस बात का, अभी जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लगातार अपडेट रहिए मार्केट से। ते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।